हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर आरती और आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ या फिर यूं कहें एक नए प्लांट के साथ आए हैं जिसकी इम्पोर्टेंस जान के हम अपने बहुत सारी डिजीजेस को रिकवर कर सकते हैं, उनसे निजात पा सकते हैं। लहसुन की बात करें तो हम देखते हैं कि इसमें इतने पावरफुल कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि आपके कैंसर के खतरे को भी बहुत ही कम करके आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल देते हैं। हम बात कर रहे हैं लहसुन की, जिसमें आप देखते हैं कि आपको एलिसिन, फ्लेवोनॉइड्स और सेलेनियम जैसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ये तीनों ही कंपाउंड्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि ये कैंसर के खतरे को पनपने ही नहीं देते। एलिसिन में आप देखें तो इसमें एंटीबायोटिक और एंटीफंगल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपको किसी भी इन्फेक्शन से बचाती हैं, और अगर हम फ्लेवोनॉइड्स की बात करें तो उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि आपको फ्री रेडिकल से बचाती हैं। और फ्री रेडिकल्स आप जानते हैं कि अगर आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स दूर होंगे या फिर वो डेवलप नहीं होंगे तो आपकी बॉडी में कैंसर का खतरा अपने आप ही कम हो जाता है। तीसरा है इसमें सेलेनियम। सेलेनियम आप जानते हैं कि एक ऐसा कंपाउंड है जो कि आपकी बॉडी में जो आपके सेल्स होते हैं उसके डीएनए को डैमेज होने से बचाता है, और अगर आपकी सेल्स में डीएनए डैमेज नहीं हो रहा है तो आप सेफ हैं। आपके सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपका मेन रूट कॉज जो होता है कैंसर का, वो यही होता है कि हमारे डीएनए को डैमेज करने लगता है, और जब हमारा डीएनए डैमेज होने लगता है उसी की वजह से हमारे कैंसर के जो खतरा होता है वो ज़्यादा पनपने लगता है। तो इसलिए लहसुन का प्रयोग करिए और अपने आप को फिट एंड फाइन रखिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू। गार्लिक इज अ वंडरफुल मेडिसिनल प्लांट टू प्रिवेंट कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर, लोअरिंग ब्लड शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल, इफेक्टिंग अगेंस्ट बैक्टीरियल एंड वायरल, फंगल एंड इवन पैरासिटिक इन्फेक्शंस, enhancing the immune system and having anti-tumoral. Garlic cloves are used for the consumption of medicinal purposes. It reduces the level of cholesterol and triglycerides, which lowers the risk of stroke and heart attack. Now let's talk about the main benefits of garlic. It treats dysentery, controls diabetes, treats infections and swellings. It also treats acne. It is very helpful in heart health, respiratory problems and even weight management. Chemically, if we talk about garlic, it has allicin, diol disulfide, diol trisulfide, diol sulfides and minor amount of other di and polysulfides.